उनको रिकमेंड करता हूँ कि जितना हो सके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ें, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ें, कास्ट की हिस्ट्री पढ़ें, और तब आपको एहसास होगा कि प्रिविलेज चीज़ क्या है और कास्ट कितनी कितनी बड़ी कुरीति है। और जितना जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप ये महसूस करेंगे कि अपनी ज़िंदगी से इस कुरीति को बिल्कुल दूर निकालना है, और जिस दिन आपने ये कर दिया उस दिन ये कुरीति भी नहीं रहेगी। उसमें एक चीज ऐड कर दूं मैं? करो बिल्कुल, करो, उधर देख के करो। मैं उधर देख के करूंगा, अच्छा मेरा उधर है। हम बड़े अमीर हैं, हमारे पास दो 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 हैं हम। कैमरा प्रिविलेज क्लास क्या होती है, यही तो होती है। है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब लोग स्पेशली प्रिविलेज क्लास वाले जब ऐसी इस चीज को चैलेंज करेंगे ना अपने अंदर, बहुत बुरी हालत होने वाली है। अंदर से बिल्कुल एंग्जाइटी, बिल्कुल अंदर से टेंशन, अंदर से एक इतना बड़ा पहाड़ जो आपको पता ही नहीं है कि आपको उसको खरीदना था, उस पर आप चोट मार रहे हो, तो अंदर से एंग्जाइटी, अंदर से आइडेंटिटी क्राइसिस, पता नहीं क्या कुछ होने वाला है हाँ। तो जब ये वो। एंजाइटी और ये ट्रॉमा हाँ ये ट्रिगर हो, जब भी थेरेपिस्ट के पास जाएं। नहीं, जरूरत नहीं, मैं वही कहने वाला था हाँ कि जब ये नॉर्मल है, आप ये समझें कि ये एंग्जाइटी, ये टेंशन, ये जो प्रॉब्लम को लेकर लोग हैं, जो दूसरी जातों वाले, जातियों वाले जो बचपन से ऐसी एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस के साथ जी रहे हैं, और उन्होंने पढ़ाइयाँ करने की कोशिश की है, करियर बनाने की कोशिश की है, और आज हम आपसे आपको ये बोल रहे हैं कि आप ये टेंशन, ये इसको जरा महसूस करें, जी इसको चैलेंज करें अपने आप को। बहुत अंदर से ना जो खराब होने वाली है हालत, उसमें अगर आप सीरियसली करते हैं तो डोंट गिव अप ऑन दैट, डोंट गिव ऑन दैट। डोंट गिव अप ऑन दैट, दैट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। लेकिन हाँ, द अदर साइड, वंस यू गेट ओवर इट, वंस यू एक्नोलेज इट, अदर साइड इज ब्यूटिफुल, आई होप सो। इट और इज। एक बार आप सब लोग, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जानने की कोशिश कर लीजिए कि रोहित वेमुला को सुसाइड क्यों करना पड़ा। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। दिस इज आवर फोर्थ डायमेंशन। थैंक यू। थैंक यू।